आपको कैसे पता? बताता हूँ, आज सुबह से मैं अपने पिता होने का फर्ज निभा रहा हूँ माधवी। संजय क्या हुआ सुबह जब मैं बालकनी में गया? मतलब आपने हमारी सोनू का पीछा किया? ये गलत है यार। कोई गलत बात नहीं है, और मैंने पीछा किया उस बारे में मत सोचो। मेरे पीछा करने के बाद ये जो सच्चाई सामने आई है ना, उसके बारे में सोचो। अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी ना माधवी, तो हमारा हाल भी विनोद और वहीता जैसा हो जाएगा। देखा ना कितने परेशान थे वो। कहा की बात कहा लेके जा रहे हो? टप्पू और सोनू सिर्फ दोस्त है, मुझे पूरा भरोसा है मेरी बेटी पर। अरे भरोसा कांच की तरह होता है माधवी, कभी भी टूट सकता है। और कौन सा सिर्फ दोस्त कार्ड और गुलाब देता है? जो कार्ड दो मुझे, मैं भी इसे खोलता हूँ, साथ में तुम्हारी आंखें भी खुल जाए। क्या लिखा है देखो, टू माय एंजल। ये देखो क्या लिखा है, लव यू, हार्ट बना हुआ है, गुलाब की पंखुड़िया है। म्यूजिक बज रहा है? सिर्फ म्यूजिक नहीं बज रहा है, क्या बज रहा है सुना? आई लव यू, आई लव यू, ऐसा क्या लिखा है? क्या लिखा है? अरे जो लिखा है वो पढ़ोगी ना तो तुम्हें भी 440 वोल्ट का झटका लगेगा। पढ़ो पढ़ो। टू माय एंजल, थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू माय एंजल, आई लव यू टू द मून एंड बैक। अब यकीन हुआ ना कि मैं जो कुछ भी बोल रहा था टप्पू के बारे में वो सच है? हाँ, नहीं मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अरे कमाल है माधवी, सच आईने की तरह तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम कंफ्यूज हो रही हो, क्यों? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? ये ग्रीटिंग कार्ड, इसमें लिखे हुए शब्द मेरी बात का प्रमाण दे रहे हैं ना? हाँ, ये गुलाब का फूल चीख चीख मेरी बातों का प्रमाण दे रहा है ना? जवाब दो माधवी, जवाब दो। देखिए दिमाग आपकी बात मान रहा है, लेकिन मेरा दिल ये सच नहीं मान रहा है। अरे क्यों? क्योंकि ये माँ का दिल है। ठीक है, तुम्हारा दिल भी ये बात मानेगा, मैं अभी सोनू और टप्पू को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ और टप्पू की खबर लेता हूँ। ओह, अभी के अभी क्यों बुलाना है उनको? ऐसे अच्छा लगता है क्या बीच पार्टी में से बुलाना? पार्टी खत्म होने के बाद घर ही आने वाले हैं ना, तभी बात कर लेना। उनको आने में देर हो जाएगी और तब तक मैं इंतजार नहीं कर सकता माधवी। ये सोनू का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ओ, उसकी बैटरी नहीं है, बताया ना पिंकू ने आपको। बैटरी नहीं है तेरी फोन लावा। अरे मैं सोनू को फोन नहीं लगा रहा हूँ, मैं टप्पू को फोन लगा रहा हूँ। अहो, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। माधवी मुझे समझाने की कोशिश मत करना। ये टप्पू की हिम्मत कैसे हुई सोनू को आई लव यू बोलने की? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अभी आपके मिस्ड कॉल गए हैं ना, कॉल बैक करेगा वो आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार करने के अलावा क्या कर सकते हैं आप? जेठालाल, जेठालाल से बात कर सकता हूँ। जेठा भाई। माधवी जब बच्चे अपनी हद पार कर देना तो पेरेंट्स से शिकायत करनी पड़ती है। ये टप्पू की ऐसी हरकतों की वजह से पानी सर से ऊपर चला जाए ना, उससे पहले मुझे जेठा से बात करनी होगी। अभी उससे बात करता हूँ और फिर उसकी दुकान चला जाता हूँ। ये जेठाल का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये तो मेरा ही फोन स्विच ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, चार्ज करके फिर फोन करता हूँ। आइए भाई साहब, बोलिए। मुझे टीवी देखना है। जरूर। अरे बागा जी, सही जी, टीवी दिखाओ। अच्छा आइए सर, आइए इस तरफ आइए। हो गया। और बोलिए। और तो सब बढ़िया है, चल रही है जिंदगी। अरे और क्या काम है वो पूछ रहा हूँ आपसे नट्टू काका। वो मिलन भाई अपना ऑर्डर फाइनल करने के लिए आ रहे हैं, आपको याद है ना? हाँ याद है। एक काम करना, वो मिलन भाई है तो मैं उनके साथ मीटिंग गोडाउन में करूंगा, ताकि यहाँ कस्टमर लोग आएंगे जाएंगे तो डिस्टर्ब होगा। जी 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 सेठ जी। और बोलिए। वो सीए को अकाउंट्स की फाइल भेजनी है, आप जरा नजर मार लेंगे? हाँ हाँ लाइए। फाइल गोडाउन में है, मैं लेके आता। हाँ ले आइए ले आइए।
बहुत इंटरेस्ट से टीवी देख रहे हैं, लगता है पीस पसंद आ गया। लेकिन बागा क्या बाजू में चुपचाप खड़ा है? बागा, अरे तू बाजू में चुपचाप खड़ा क्या है? कस्टमर को टीवी की विशेषताओं के बारे में सब समझा? सेठ जी, मैं दो बार समझाने गया तो दोनों बार उन्होंने मुझे चुप कर दिया। तुम चुपचाप खड़े रहो, कुछ बोलो मत, मुझे शांति से टीवी देखने दो। अच्छा, पसंद आया क्या टीवी? हाँ मस्त है। तो पैक करवा दो टीवी। हाँ नहीं नहीं, मुझे टीवी खरीदना नहीं है। मतलब? मैं तो सिर्फ यहाँ टीवी देखने आया हूँ। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, बाहर बाहर निकलो। ओ भाई साहब, तमीज से बात कीजिए। देखिए, जब आपने मुझे पूछा बोलिए, तो मैंने भी बोला ना कि मुझे टीवी देखना है, और उसके बाद आपने वो भाई साहब को बुलाया और कहा कि इनको टीवी दिखाओ। ए! निकल, निकल यहाँ से, बुलाओ पुलिस को। सॉरी सॉरी, निकल, चल निकल यहाँ से। जाता हूँ, जाता हूँ। मारूंगा, निकल। शांत हो जा, शांत हो जा। अरे सेठ जी, ये कोई तरीका है? ऐसे ही खुले आप दुकान में टीवी देखने आ गया? कल को बोलेगा मेरे पास कपड़े है, आपके पास वॉशिंग मशीन है, कपड़े धो लो। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं, गया गया गया, चला गया दूसरा। लेकिन क्या तरीका है? बेटा बेटा शांत हो जा, बेटा शांत हो जा, गया वो गया, गया। हाँ, पानी वानी पी ले, हो गया हो गया, चल हो गया, शांत हो जा। हाँ लाइए। फोन उठाओ जेठालाल। अरे ये बार बार फोन काट रहा है मेरा, बिजी होंगे। अरे तो क्या हुआ, उसको मेरा फोन उठाना पड़ेगा। जब तक वो फोन नहीं उठाएगा ना, मैं बार बार फोन करता ही रहूंगा। अरे भाई भिड़े, मैंने दो बार तेरा फोन काटा तो तुझे समझ जाना चाहिए ना कि मैं बिजी हूँ, फ्री होते ही फोन करूंगा तुझे। बार बार फोन कर रहा है। ओ जेठालाल, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें बार बार फोन करने का, काम था इसलिए फोन किया है। हाँ बोल, क्या काम है? वो मैं तुम्हें दुकान पे आके बताऊंगा, तुम अभी दुकान पे ही हो ना? हाँ हाँ, ठीक है मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, दुकान पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अरे मेरी एक मीटिंग है भाई। तो मीटिंग कैंसिल कर दो। या भाई, ये सोसाइटी की मीटिंग नहीं है कि जब मर्जी रख दी, जब मर्जी कैंसिल कर दी। जेठालाल, सोसाइटी की मीटिंग में ऐसा नहीं होता है। हाँ तो मेरी मीटिंग में भी ऐसा नहीं होता है भाई, फोन पे बोलना है तो बोल। नहीं, फोन पे नहीं बोलूंगा मैं। हाँ तो जवाब दे। ये, ये, हेलो, फोन कट कर दिया फिर से। अब दुकान जाने की सोच रहे हैं? हाँ तो वहाँ नट्टू काका होंगे, बागा भाई होंगे, उनके सामने आप घर की बात करेंगे, कसम अट्टे दे। जेठ भाई को घर आने दीजिए, फिर शादी से बात करती है ना उनसे। ठीक है, बता रहा है ना, बोल। जेठालाल, मुझे तुम्हें ऐसी बात बतानी है जिसे सुनने के बाद तुम्हारा सिर शर्म से झुक जाएगा। क्या क्या ऐसी क्या बात है? वो तुम्हें रात को बताऊंगा तुम्हारे घर पे आके। अरे वो जब रात को घर पे आएगा ना, तो उसको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी उसके बेटे की करतूत। अब बोलो। अरे भाई बता ना, क्या बात है? बोला ना, रात को तुम्हारे घर पे आके बताऊंगा। अरे तो तू क्या चाहता है, रात तक मैं टेंशन में रहूं? यही तो मैं चाहता हूँ। अरे क्या बचपना है भिड़े, बता ना भाई क्या बात है। कोई बचपना नहीं है, मैं यही चाहता हूँ कि तुम रात तक टेंशन में रहो। तुम जब रात को घर पे आओगे ना, तब मैं बताऊंगा। अरे कमाल है। तुम्ही ज्या माणसाला फोन केला आहे तो डायरेक्ट तुमच्याशी रात्रीच बोलणार आहे, तेव्हा डायरेक्ट रात्रीच फोन करा, सारखा सारखा फोन करू नका। धन्यवाद। क्या हुआ सेठ जी? कुछ नहीं, काम कीजिए, अभी अभी रख दीजिए,
बाद में मैं देख लूंगा। अरे ये क्या बात है, जिसको सुनते ही मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। आहो, अब रात को शांति से बात करना, झगड़ा मत करना। बिल्कुल नहीं, अभी बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला हूँ मैं। ऐसा क्या करने वाले आप? मैं पूरी सोसाइटी के सामने इस टप्पू का पर्दाफाश करूंगा, इससे गड़ा परिवार की नाक सबके सामने कट जाएगी। एक सेना कैसे अपनी दुश्मन सेना पर सरप्राइज अटैक करके उसपे हड़कंप मचा देती है, वैसे ही सरप्राइज अटैक करके मैं गड़ा परिवार में हड़कंप मचा दूंगा। टप्पू अपने आप को हीरो समझता है ना, आज सबके सामने उसको जीरो बना दूंगा। उस टप्पू को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मेरी बेटी सोनू के साथ बात करना तो दूर, उसके सामने आंख उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अभी सबको फोन करता हूँ ना। क्या बिना सोचे समझे बात कर रहे हैं आप, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। ये सिर्फ टप्पू की बात नहीं है, हमारे सोनू की भी तो बात है, उसकी इज्जत का सोचो। गुलाब और ग्रीटिंग कार्ड हमारे सोनू के बैग से ही मिले हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं ऐसा करूंगा तो हमारे सोनू की भी बदनामी होगी। नहीं तो क्या करूं, मैं इस टप्पू का ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, और टप्पू और सोनू के रिश्ते को दोस्ती से आगे देख नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रही हूँ जेठा भाई के घर जाते हैं और जेठा भाई से चाचा जी से शांति से बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मैं चाचा जी और जेठा भाई दोनों को बोल दूंगा कि टप्पू को सोनू से दूरी रखे। भिड़े बिना बेमतलब का टेंशन दे दिया, क्या बात होगी, अभी पूछूंगा तो भी बताएगा नहीं। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो, कहाँ आग लगी है? हैं? मतलब जब तुम्हारे जीवन में आग लगती है तभी तो तुम इस फायर ब्रिगेड को याद करते हो, बताओ कहाँ आग लगी है? नहीं, आग लगी नहीं है, शायद लगने वाली है। मतलब? अभी भिड़े का फोन था, बहुत गुस्से में था, तो कह रहा था कि मुझे तुम्हें ऐसी बात बतानी है जो सुनते ही तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। क्या? तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा? हाँ। लेकिन क्यों, ऐसी क्या बात है? क्या पता, तो पूछो उससे। अरे पूछा मेहता साहब, लेकिन वो बताने को तैयार ही नहीं है, कह रहा था कि मैं रात को तुम्हारे घर पे आऊंगा तभी बताऊंगा। हाँ, तो मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, आप जरा उसको फोन करके आइडिया से जानने की कोशिश करो ना कि ये क्या बात है। जेठालाल, अगर मैं उसे फोन करूंगा तो वो तुरंत समझ जाएगा कि तुमने मुझे उसे फोन करने के लिए कहा है। यार ये भिड़े ने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। वैसे मेहता साहब आपको कुछ अंदाजा आ रहा है ये क्या बात हो सकती है? जेठालाल इतना मत सोचो, जो भी बात होगी भिड़े तुम्हें रात को बता देगा ना। और वैसे भी गुजराती में कहावत है ना, परसे एवा देवा से। नहीं वो तो अच्छा, मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, वो भिड़े रात को मेरे घर पे आएगा ना, तभी आप भी जरा मेरे साथ रहना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू मेहता साहब, चलो मिलते हैं रात को। मिलते हैं। अरे बाप, तीन मिस कॉल। अंजलि तारक, मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रही हूँ और आपका फोन बिजी आ रहा है। अंजलि जेठालाल से फोन पे बात कर रहा था। अच्छा, आप ऑफिस में मेरा फोन तो कभी नहीं उठाते और जेठा भाई से बात कर रहे हो। अंजलि जेठालाल मुझे ऑफिस में तब फोन करता है जब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो, और इसलिए उसका फोन उठाना पड़ता है। आप कौन सी मुसीबत में फंसे हैं जेठा भाई? अंजलि वो बता रहा था कि भिड़े बहुत गुस्से में है और रात को कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे जेठालाल का सर शर्म से झुक जाएगा और उसका टेंशन डबल हो जाएगा। अरे बाप रे, ऐसी कौन सी बात है? जेठालाल को भी वही टेंशन है, इसलिए उसने मुझे रात को साथ में रहने के लिए कहा है। तो लगता है कि आज जेठालाल और भिड़े के बीच कुछ ना कुछ तो होने वाला है। यार जो होगा देखा जाए। हे भगवान, सोसाइटी में कोई नया हंगामा ना आ जाए। जेठालाल और भिड़े तो अब आग और बारूद है, मिलेंगे तो हंगामा होगा ही। खैर वो छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने फोन क्यों किया था? वो आप आज आते वक्त मार्केट से अदरक लेकर आएंगे? क्यों? मुझे आपके लिए अदरक और पुदीने का सूप बनाना था। अरे नहीं नहीं अंजलि, मेरा मतलब है कि आज मुझे ऑफिस से जल्दी आना है ना, तो ये सामान मैं फिर कभी ले आऊं। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए। ओके। कोमल भाभी के यहाँ से ले आती हूँ। कोमल तुम जानती हो ना, उससे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, खाओ गर्मा गर्म समोसे और कचौरी, एंजॉय। थैंक यू कोमल। मैं देखती हूँ। हाँ।
अंजलि भाभी आइए आइए। हेलो अंजलि भाभी। हेलो। आइए आइए नाश्ता कीजिए। अरे नहीं नहीं थैंक यू। कुमार भाभी मुझे थोड़ा सा अदरक चाहिए था। हाँ अभी लाती हूँ। क्या बात है अंजलि भाभी, अदरक की कोई नई डिश बना रहे हैं आप? हाँ वो आज तारक ऑफिस से जल्दी आ रहे हैं ना, तो उनके लिए अदरक और पुदीने का सूप बना रही हूँ। आप कहो तो आपके लिए भी भिजवा दूँ? नहीं नहीं थैंक यू अंजलि भाभी। ये लीजिए अंजलि भाभी। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलती हूँ। क्यों बैठी ना अंजलि भाभी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं मुझे घर पर जाकर जल्दी से सूप बनाना है, क्योंकि तारक तुरंत आकर जेठा भाई के घर पर जा रहे हैं। क्यों जेठा भाई के घर क्यों जा रहा है? वो भिड़े भाई और जेठा भाई के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, है? तो जेठा भाई ने कहा है कि तारक उनके साथ रहे। प्रॉब्लम? भिड़े भाई और जेठा भाई के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ है? हाँ, वो तो पता नहीं, पर भिड़े भाई ने बड़े गुस्से में जेठा भाई को कहा कि वो रात को उनसे मिले, क्योंकि वो उन्हें एक ऐसी बात बताना चाहते है जिससे जेठा भाई का सर शर्म से झुक जाएगा। अरे बाप रे। पर उन्होंने बताया नहीं कि बात क्या है। नहीं ना मैं काम करती हूँ, मैं माधवी भाभी से बात करके पूछ लेती हूँ। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि अगर माधवी भाभी को हमें बात बतानी होती तो वो दोपहर में ही बता देती ना। हो सकता है कि उन्हें ये बात किसी को बतानी ना। सही बात है कोमल, तुम माधवी भाभी को सामने से कॉल करके पूछोगी तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ वो भी ठीक है, भगवान करे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा मैं चलती हूँ। थैंक यू। वेलकम। हंस भिड़े भाई और जेठा भाई के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ होगा? कोमल ये तो सिर्फ भिड़े मास्टर ही बता सकता है। हाँ वो तो है। अच्छा हंस, बबीता माधवी भाभी के घर अचार लेने जाने वाली थी, हो सकता है माधवी भाभी ने बबीता को बताया हो। मैं अभी बबीता को फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ ठीक है। कोमल भाभी बोलिए। बबीता मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए ना। तुम्हें पता है जेठा भाई और भिड़े भाई के बीच में प्रॉब्लम हुआ है? हैं? उनके बीच में प्रॉब्लम हुआ है? मतलब तुम्हें नहीं पता है जेठा भाई और भिड़े भाई के बीच में प्रॉब्लम हुआ है? नहीं कोमल भाभी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, आपने भी मुझे फोन किया तो मुझे उससे पता चला कि उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ है। बबीता जेठा भाई और भिड़े भाई के बीच में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ये नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। अच्छा मुझे लगा तुम माधवी भाभी के घर अचार लेने गई होगी, तब माधवी भाभी ने तुम्हें बताया होगा। नहीं नहीं एक्चुअली मैं जा ही नहीं पाई वहाँ पे। पर आपको ये सब किसने बताया? अंजलि भाभी अभी मेरे घर पर आई थी तो उन्होंने बताया कि Oh my God. पर माधवी भाभी ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। वही तो बबीता, गोकुल धाम में पहली बार ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो भिड़े भाई और माधवी भाभी किसी को नहीं बता रहे। हाँ वही तो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई होगी। हर माँ बाप के लिए उनकी बेटी की इज्जत सोने के उस गहने की तरह होती है जिसे लॉकर में रखने के बावजूद भी उसकी चिंता लगी रहती है। हर बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए भिड़े ने तय किया कि वो जेठालाल से अकेले में बात करेगा और इस बात की खबर किसी को नहीं होने देगा। लेकिन ये गोकुलधाम है, यहाँ बातें पिज्जा से तेज डिलीवर होती है। भिड़े ने जेठालाल से भिड़ने के लिए कमर कस ली, लेकिन जो बात वो सोसाइटी वालों से छुपा रहा है वही बात सोसाइटी में हवा की तरह फैल रही है। जेठालाल और भिड़े के बीच में महायुद्ध होने वाला है और गोकुलधाम वासी दर्शक बन के खड़े रहने वाले। टप्पू और सोनू के रिश्ते की ये बात जब सोसाइटी में पता चलेगी उसके बाद क्या होगा? जेठालाल क्या करेगा टप्पू का हाथ? किसका सूजेगा गाल और किसका होगा चेहरा लाल? भिड़े और जेठालाल के बीच में होगी धमाल या होगा कोई कमाल? कुछ भी हो आप होंगे ठाकों से माला माल। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।